हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमने एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? द वर्ड विच डिफाइंस एन मॉडिफाइड वर्ब एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब और उसके साथ साथ उसके अलावा बाकी के जो पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं, जैसे एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इसको भी मॉडिफाइड करता है, इसको भी डिफाइन करता है, तो वो है एडवर्ब। जैसे कि देखते हैं, शी रन फास्ट। यहाँ पे एडवर्ब क्या है? रन वर्ब है और फास्ट मीन्स रन को मॉडिफाइड कर रहा है फास्ट, तो है ये है एडवर्ब और ये वर्ब। यहाँ पे एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाइड किया, ठीक है। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब नीचे देखते हैं, जिसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन इसको भी मॉडिफाइड करें, इसके साथ भी एडवर्ब आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर टू, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे बताइए, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है, और वेरी एक है एडवर्ब है, मॉडिफाइड कर रहा है ब्यूटीफुल को। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाइड कर रहा है एडवर्ब। अब ये फास्ट, अब मुझे बताइए एक क्वेश्चन, ऐसे एमपीएससी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन भी है और वर्ब भी है, है चारों है। लेकिन इस क्वेश्चन में फास्ट सिर्फ एडवर्ब है, क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, शी स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली। स्पीक्स वर्ब क्या है? स्पीक्स है, शी है, शी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। वर्ब वेरी क्या है? एडवर्ब है, और फ्लुएंटली भी यहाँ पे है एडवर्ब, मीन्स एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाइड कर सकता है फ्लुएंटली एडवर्ब। वर्ब तो यहाँ पे ही आ गया, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, शी स्पीक्स, लेकिन वेरी फ्लुएंटली ये दोनों हैं एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर फोर, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हीज हेड। अब द बर्ड ये तो नाउन है, फ्लू वर्ब है, ओवर क्या है? प्रेपोजिशन है ओवर, मीन्स एग्जैक्टली क्या है? एडवर्ब, मीन्स क्या है? प्रेपोजिशन के साथ भी एडवर्ब आ सकता है। जैसे मैंने बोला था, एडवर्ब डिफाइंस। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, ही किल्ड हर सिंपली बिकॉज शी हैड रिफ्यूज्ड refused to marry him. क्या है? He killed her. Verb है kill. Simply because. अब because क्या है? Conjunction है, दो sentence को join कर रहा है, तो part of speech में conjunction भी आता है। तो यहाँ पे simply क्या है? Adjective means adverb. Sorry. Means conjunction के साथ भी adverb आ सकता है। तो समझा? एडवर्ब सारे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आता है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. ओनली हरी, एमपीएससी में पूछते हैं ये जो ओनली है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, क्या है, ऐसे ऑप्शन देके कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं. ओनली हरी हैज पास द एग्जाम. अब हरी नाउन है और ओनली है, तो ओनली नाउन के साथ आया है, ओनली है एडवर्ब और यहाँ पे है नाउन, मीन्स यहाँ पे नाउन को डिफाइन कर रहा है. और आपको पता है ओनली एज अ कंजक्शन भी यूज होता है और एडवर्ब भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या है, एडवर्ब है. अब प्रोनाउन को कैसे मॉडिफाई करेगा ये देखते हैं. कोई नहीं पढ़ाता है ये चीजें. ओनली यू कैन हेल्प मी इन द आवर ऑफ नीड. यू क्या है, प्रोनाउन है और ओनली है एडवर्ब, मीन्स प्रोनाउन को भी मॉडिफाइड कर रहा है एडवर्ब. क्वेश्चन नंबर 8. फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजुरी. फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजुरी. अभी फॉर्चुनेटली क्या है, ये एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब किसी को मॉडिफाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाइड कर रहा है. ऐसे भी होता है, मीन्स एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच, इसके साथ साथ पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाइड कर सकता है. तो ऐसे कौन से एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाइड करते हैं, तो ध्यान में रखिए बहुत कम है ऐसे. जैसे फॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस को मॉडिफाइड करता है, लकीली, इवेंचुअली, फाइनली, समझा इतना. तब अब पढ़ेंगे कि रूल बाय रूल पढ़ेंगे ऐसे एडवर्ब का यूज कैसे करना है. तो कुछ रूल देखते हैं, आज आधे देखेंगे, कल आधे देखेंगे. मोस्ट ऑफ द इंग्लिश आपका खत्म हो चुका है, बाद में क्लोज टेस्ट, एरर, फिलर, सेंटेंस रिअरेंजमेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम देखेंगे पूरे रूल्स पढ़ने के बाद. तो यूज ऑफ एडवर्ब है वेरी और टू, ये भी एडवर्ब है. तो हम क्या करते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, आरती इज वेरी हैप्पी टू सी मी, ऐसे कुछ रहता है, तो हम वेरी यूज करते हैं, कभी टू भी यूज करते हैं. तो आपको कभी कंफ्यूजन हुआ है कि टू कब यूज करना, वेरी कब यूज करना, एग्जैक्ट एग्जैक्ट कब यूज करना है आपको पता है? तो अब पता चलेगा आपको, वेरी जब प्लीजेंट एडजेक्टिव रहेगा. प्लीजेंट एडजेक्टिव मीन्स अच्छे गुण, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, तब वेरी यूज करना जिसमें अच्छे गुण है, और टू यूज करना जब अनप्लीजेंट रहेगा. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आरती is too happy to see me here. क्या है, देखिए यहाँ पे टू आया है और सेंटेंस पढ़िए, आरती इज टू हैप्पी टू सी मी हियर. पॉजिटिव सेंटेंस है, प्लीजेंट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे टू आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? वेरी. अब अगर वही सेंटेंस में टू का सेंटेंस देखते हैं, आप He is very, very dull to solve this sum. अब देखिए, he is very dull.
क्या है? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, निगेटिव बात है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू, क्योंकि अनप्लीजेंट के लिए हम यूज करते हैं टू. बट इसमें देखिए, बबीता इज वेरी ब्यूटीफुल टू बी rejected by any young man. ये सेंटेंस में देखिए, ब्यूटीफुल भी बोला है, मीन्स तारीफ भी हो रही है, और टू बी रिजेक्टेड बाई एनी यंग मैन बोल रहा है, मीन्स निगेटिव सेंटेंस है, रिजेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे चाहिए टू, यहाँ पे वेरी राइट नहीं है. ठीक है, सेंटेंस की फीलिंग निगेटिव है. अब एक रूल पढ़ लेते हैं, और वेरी कहिए टाइप टू. हमने वेरी और टू पढ़ा, अब हम देखेंगे वेरी और मच में क्या डिफरेंस है. तो वेरी हमेशा पॉजिटिव एपीडी के साथ यूज करना, पॉजिटिव डिग्री के साथ, और जब कंपैरेटिव डिग्री रहेगी तो मच यूज करना. ठीक है, और वेरी के केस में हमेशा आईएनजी आएगा, वी प्लस आईएनजी आएगा. और कंपैरेटिव डिग्री जो है, जो मच के साथ आएगा, इसमें हमेशा आपको देखने को मिलेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म वी थ्री. ठीक है, इतना समझा? आप क्वेश्चन देखते हैं. आप ये मत सोचना क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि मैं यहाँ रूल पढ़ा रही हूँ जो आपको बड़े क्वेश्चन में भी काम आएंगे. जब आप कोई भी कितना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में, पीओ के मेन में, क्लर्क के मेन में, हर एग्जाम में आपको ये रूल काम आएगा, क्योंकि चाहे क्वेश्चन छोटा रहे बड़ा रहे, आपको स्टेप बाय स्टेप ही देखना पड़ता है, हर वर्ड के लिए चेक करना पड़ता है. इसलिए रीडिंग स्किल चाहिए तो रोज पढ़ना न्यूज़पेपर, अच्छे से पढ़ना. रागिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर. क्या है? ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल को मोर लगा है, मीन्स कंपैरिजन है, तो यहाँ पे आएगा एसीडी आएगा, कंपैरिजन एसीडी है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये वाला रूल यहाँ पे है सेकंड नंबर का, तो यहाँ पे आंसर रहेगा मच. और ध्यान भी आया है, इससे पता चल रहा है कि कंपैरिजन है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा रागिनी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर. क्वेश्चन नंबर टू, ही इज मच स्ट्रॉन्ग टू कैरी हिज बैग ऑन हिज हेड. क्या ही इज मच स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं? ठीक है, टू कैरी दिस बैग ऑन हिज हेड. स्ट्रॉन्ग है मीन्स पॉजिटिव डिग्री है, एपीडी है. यहाँ पे क्या चाहिए? वेरी चाहिए, मच नहीं चाहिए. ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू कैरी दिस बैग, है ना? कन्फ्यूजन वाले सेंटेंस एग्जाम में हो सकती है मिस्टेक ऐसे केसेस में. दिस नॉवेल इज इंटरेस्टिंग This novel is interested. बताइए, यहाँ पे है ing और यहाँ पे है v3, क्या रहेगा आंसर? ing है means यहाँ पे रहेगा very, और interested है तो यहाँ पे रहेगा much. This novel is much interested. अक्सर हम गलतियाँ करते हैं ऐसे केसेस में. अगर ये रूल नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे? दिस नॉवेल इज मच इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, कुछ भी लिख के आएंगे. बट ऐसे केसेस है देखिए, जिसमें वेरी आईएनजी रहे या वी थ्री रहे, लेकिन जब भी आपको टायर्ड, फ्राइटन, कंटेन, displeased,
bored, limited, dejected. ये जब आपको v3 फॉर्म में है, देखिए, और v3 के साथ क्या आता है, सिर्फ मच आता है, है मच है v3 के साथ, लेकिन यहाँ पे v3 है, फिर भी इसके साथ वेरी ही आएगा, क्यों? ये राइट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है. जैसे क्वेश्चन देखते हैं, आई एम टायर्ड टुडे, तो आप सोचोगे v3 है तो यहाँ पे मच आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे वेरी आएगा. आई एम वेरी टायर्ड टूडे, मच नहीं लिखना. और एक एक्सेप्शन है जिसमें वेरी और मच प्लीज के साथ दोनों आ सकते हैं. जैसे प्लीज है, इसमें ईडी फॉर्म है, तो आप इसके लिए वेरी भी यूज कर सकते हो या मच भी यूज कर सकते हो. तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग.